दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ आपको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये कहानी इन्हीं पंक्तियों पर आधारित है। दोस्तों, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक शुभ की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आइए अब कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, रामू नाम का एक किसान अपने पुत्र के साथ मेले से वापस लौट रहा था। उस किसान के साथ एक गधा भी था, जिसे उसने मेले में खरीदा था। उनके कुछ दूर चलने के बाद ही एक गांव आया। गांव वालों ने जब पिता और पुत्र को गधे के साथ देखा तो लोग कहने लगे, कैसे मूर्ख हैं, गधे के साथ में होते हुए भी यह दोनों पैदल चले जा रहे हैं। दोनों पिता पुत्र को लगा बात तो ठीक है, तो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद और कुछ व्यक्तियों को उस किसान ने आपस में फुसफुसाते हुए सुना, अरे कितने निर्मोही हैं यह लोग, खुद तो हट्टे कट्टे हैं, परंतु अपना सारा भार इस बेचारे गधे को दे रखा है, बेचारा कैसे हाफ रहा है। यह सुनकर वह किसान बहुत दुखी हुआ और वह गधे से तुरंत उतर जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद कुछ और लोग मिलते हैं और वह आपस में बात करते हैं कि कितना बेशरम लड़का है, पिता पैदल चल रहा है और लड़का गधे की सवारी कर रहा है। यह सुनकर किसान का लड़का स्वयं भी गधे से उतर जाता है और अपने पिता को गधे पर बिठा देता है। फिर कुछ दूर वह दोनों चलते हैं और फिर कुछ लोग बात करते हुए नजर आते हैं। कैसा निर्मोही पिता है, बेचारा पुत्र धूप में नंगे पांव चल रहा है और स्वयं मस्ती के साथ गधे पर बैठा हुआ है। किसान और किसान का पुत्र दोनों ही झुंझला जाते हैं। उन्होंने गधे के चारों पैरों को एक लकड़ी से बांधा और स्वयं उस गधे को उठाकर चलने लगे। कुछ देर बाद वह दोनों अपने गांव पहुंचे तो गांव के सरपंच को सारा मामला बताया। तो सरपंच ने बताया कि कभी कभी दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ही निर्णय करना चाहिए। अब उन दोनों को बात समझ में आ गई थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। आपने बड़े धैर्य और विश्वास के साथ सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार।